तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिए थे। हमने मेटलॉइड के बारे में भी देखा और हमने इनर्ट गैसेस के बारे में भी देख के और वो हमने खत्म कर दिया। एक छोटा सा असाइनमेंट भी दिए थे जो मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि आप लोग उसको नहीं किए हैं। वेरी गुड। तो होता है भाई, असाइनमेंट करने के लिए थोड़ी दिया जाता है, वो तो कॉपी भरने के लिए दिया जाता है कि हाँ भाई कॉपी में लिखा रहे ताकि कल को अगर चेकिंग आए तो पता चले हाँ लिखा हुआ है कि हाँ बच्चे को दिया गया था असाइनमेंट। नहीं, खैर एनीवेज, आज की क्लास में हम लोग को एक नया टॉपिक पढ़ना है, दैट इज कंपाउंड, या इसी को हम लोग ना केमिकल कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसी ओनली कॉल्ड एज केमिकल कंपाउंड्स, इसी को हम लोग केमिकल कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। राइट, अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स which are combined chemically together in a fixed proportion by mass is known as chemical compound. This is governed by a law called as मतलब ये किसी लॉ पर आधारित है। This is governed by a law called as law of constant composition or definite proportion. Law of constant composition या definite proportion, ये आप नहीं जानते हैं अभी, पर मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। Law of constant composition या इसी को एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। क्या कहता है ये लॉ, इसको पहले समझते हैं। और इस लॉ को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ प्राउस्ट। The law was given by Joseph Proust, Proust, in the year 1799 में यह लॉ दिया गया। क्या कहता है ये लॉ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कहता है ये लॉ, इसको हम लोग को देखना है कि ये लॉ क्या कहता है। ये लॉ कहता है कि दुनिया में कोई भी जो कंपाउंड है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है या कांस्टेंट रहता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए कहीं पर वाटर लिखा हुआ है। वाटर एक तो ये एक प्योर सब्सटेंस है, एक तो ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। व्हाई इट इज अ प्योर सब्सटेंस, बिकॉज इट इज अ कंपाउंड, दैट्स व्हाई इट इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड जो कि एक प्योर सब्सटेंस होता है, उसकी खास बात होती है कि उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स, टू और मोर देन टू, क्या डेफिनेशन है, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली करते हैं। किस तरह से, इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। मास के फिक्स्ड रेशियो में जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ये लगभग बातें इसमें आपको समझ में आ गई होगी। एकाध चीज जो खाली समझ में नहीं आएगा वो आया होगा, इसे फिक्स्ड रेशियो बाई मास का क्या मतलब होता है। केमिकली कंबाइन करने का मतलब है H2 जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ट्वाइस ऑफ H2O बनाएगा, तो
तो ये चूंकि केमिकल रिएक्शन से इस तरह से लिख रहे हैं तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये केमिकली कंबाइन कर रहा है और कंबाइन करके कुछ बना रहा है। लेकिन ये रेशियो वाली बात क्या है, H2O को अगर मैं ठीक से लिखूं तो हाइड्रोजन का मास कितना है 2 और ऑक्सीजन का मास कितना है 16। कैसे पता चला? मैंने आपको लास्ट क्लास में असाइनमेंट दिया था कि आप 1 से 20 तक का एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मास नंबर याद करिएगा। हाइड्रोजन का मास होता है 1, दो हाइड्रोजन है तो 2, ऑक्सीजन का मास होता है 16, जो आपको याद करने बोला था क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है तो मास नंबर लगभग उसका डबल होता है। इसका रेशियो कितना आया 1:8। क्या रेशियो आया 1:8, यानी दुनिया में कहीं भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होगा बाई मास वो पानी है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाई मास रेशियो 1:8 है तो वो क्या है? पानी है। अगर कई बार आपने सुना होगा कि हम लोग मार्स पर जीवन ढूंढ रहे हैं, मार्स पर जीवन ढूंढ रहे हैं, मून पर जीवन ढूंढ रहे हैं, तो मून पर जीवन ढूंढने के लिए सबसे पहले वहां हवा पानी, भाई जीवन के लिए तो हवा और पानी, खाना तो आप लोड करके भी ले जाइएगा, पर हवा वहां ऑक्सीजन होगा तब ना सांस लीजिएगा और पानी होगा तब ना पीजिएगा। भाई आप अंदर ड्रिल करिए, मून के सरफेस में ड्रिल किए और ड्रिल करने के बाद मान लीजिए वहां से आपको पानी नहीं मिला तभी कैसे होगा। तो जो पहला बार साइंटिस्ट लोग का जो ग्रुप है वहां गया होगा तो पानी ढूंढने के लिए क्या दिखा होगा, अलग अलग पार्टिकल्स ढूंढने होंगे, उस पार्टिकल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रेजेंस ढूंढना होगा और उस प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखा होगा और उसका बाई मास रेशियो 1:8 आया होगा तो बोलेगा हाँ यहां पानी अवेलेबल है। तो दुनिया में कहीं भी अगर हम पानी ढूंढ रहे हैं तो उसका बाई मास रेशियो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। कौन बोला ये बात? ये बात बोले हैं जोसेफ प्राउस्ट और उन्होंने इसके लिए जो लॉ दिया है उसका नाम है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन। मतलब दुनिया में कोई भी जो केमिकल कंपाउंड है वो उसका कॉम्पोजिशन हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट होता है और उसका प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब जिस रेशियो में वो आपस में जुड़ा हुआ है वो प्रपोर्शन हमेशा क्या है, डेफिनाइट है, यानी फिक्स्ड है। जैसे पानी की हम बात करेंगे तो हमेशा 1:8 बाई मास रेशियो में जब कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो हमेशा क्या बनाएगा, पानी ही बनाएगा। ये बात किसने बोला था, जोसेफ प्राउस्ट ने बोला था। किस ईस्वी में बोला था, 1799 ईस्वी में, 1800 ईस्वी के आसपास में उन्होंने ये बात हमसे कही थी। राइट, कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, हेडिंग है टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन सा टाइप है इसका? टाइप नंबर 1 है ऑर्गेनिक कंपाउंड और टाइप नंबर 2 है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मेरे मन में एक डाउट आना चाहिए या मेरे मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते किसको हैं और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते किसको हैं। तो मैंने बताया था, वेरी गुड, क्या बताया था मैंने, बताया होगा कि जिसका सोर्स प्लांट्स एंड एनिमल हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कहते हैं, और जिसका सोर्स रॉक्स एंड मिनरल्स हो, रॉक्स एंड मिनरल्स हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कहते हैं। ये जो रॉक्स एंड मिनरल्स है ये कहां पाया जाता है, ये जो रॉक्स एंड मिनरल्स है ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। कहां पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में, यानी धरती के सतह के नीचे। और प्लांट्स और एनिमल्स कहां पाए जाते हैं, तो प्लांट्स और एनिमल्स हम लोग को पाए जाते हैं नेचर में। ये कहां मिलता है हम लोग को, नेचर में। तो जो कुछ भी प्लांट और एनिमल से हमें मिलता है दैट इज ऑर्गेनिक, और जो हमें रॉक्स एंड मिनरल से मिलता है वो क्या है, इनऑर्गेनिक। जो धरती के अंदर मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक। तो आप ऑर्गेनिक की परिभाषा लिखिए। राइट, द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेयर एज द कंपाउंड, इनऑर्गेनिक की परिभाषा ली। अच्छा, इसके एग्जाम्पल ऑर्गेनिक के कुछ उदाहरण
ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ उदाहरण, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ उदाहरण, ह्यूमंस, ह्यूमंस एग्जांपल थोड़े होगा, कंपाउंड है ना, ग्लूकोज, शुगर, वाटर, वाटर क्या होगा, प्लांट्स एनिमल से मिलता है, प्रोटीन, विटामिन और कोल, सर ह्यूमस में तो मिलता है, HUMUS वाला, HUMUS बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, कोल, कोल का क्या क्या नाम है आपका, सर इनऑर्गेनिक, पक्का क्या हमने बोर्ड पर लिख दिया है, तो मिटा देंगे हमारा क्या, मिटा देते हैं, पेट्रोलियम, ये क्या है, फॉसिल फ्यूल है, ग्लूकोज, C6H12O6, शुगर, C12H22O11, प्रोटीन, ये काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, आप लोग के काम नहीं आएगा, विटामिन छोड़ दीजिए, कोल मेड अप ऑफ कार्बन, अरे इसका जो नंबर है प्रोटीन का वो फिक्स नहीं रहता है, मतलब काफी बड़ा बड़ा चेन में आता है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आपके मन में डाउट आएगा, भूल गया होगा मास्टर, कोल मेड अप ऑफ कार्बन, ह्यूमस, ह्यूमस मतलब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही जब डिकम्पोज करता है तो क्या होता है, ह्यूमस बनता है, तो बायो डिग्रेडेबल सब्सटेंस, और लास्ट में पेट्रोलियम, ए मेड अप ऑफ कार्बन, नहीं नहीं बस ऐसे हमने बोर्ड प्रैक्टिस कर लिया, याद कर रहे थे कि हमको याद है कि नहीं। अब डाउट यहां पर आपको आएगा दो में, पांच नंबर और सात नंबर में, ये दोनों पाए जाते हैं धरती के अंदर, ये दोनों कहां पाए जाते हैं, ये भी अर्थ क्रस्ट के अंदर और ये भी समुद्र के तल में, फिर ये कैसे ऑर्गेनिक हुआ, ये तो हमारे डेफिनेशन में सेट नहीं हो रहे, तो इनऑर्गेनिक के डेफिनेशन में सेट हो रहा है, तो जो डेफिनेशन आपने पढ़ा है वो अधूरा डेफिनेशन है, इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग क्लास 11th में जाते हैं, तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कभी ना कभी अपने जीवन काल में लिविंग था उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर आप ठीक से देखिएगा तो बोलेगा कि कोल किससे बना है, प्लांट से, और प्लांट कभी ना कभी क्या था, जीवित था, तो इसलिए क्या है, ऑर्गेनिक है। पेट्रोलियम क्या है, मछलियों से बनता है, मछली एंड डेड रिमेन्स ऑफ द बिग बिग फिशेस, वो कहां है, जमीन के अंदर, तो जमीन के अंदर हो तो एक बात है लेकिन बना किससे है, मछली के रिमेन्स से, और मछली कभी ना कभी क्या था, जीवित था, तो ये भी क्या हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, हाँ एनिमल से, उसमें भी पर्टिकुलरली फिश से जो धर समुद्र के अंदर मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है समुद्र के अंदर, तो वहां तुम जाके मरोगे, अरे वहां तो मछलियां उछली ना जाके मरेगा जी, कभी कभी निकलता है, तो कभी मानिए बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसमें आदमी जाके उसमें सब समा गया तो उससे भी आ सकता है, नहीं ये ज्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपको कहां से मिलता है, समुंदर में, इसलिए कुछ भी मिले, अरे समुंदर से मिले कि एनिमल से मिले कि फिश से मिले, मिलता तो हुआ है किसी ना किसी जीवित आदमी से ही, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है जो जीवित है वो क्या है, इस हिसाब से मुझे बताइए कि जो पेपर है वो ऑर्गेनिक है कि नॉन इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, वुडन चेयर ये समझ में आ रहा है, और क्या ऑर्गेनिक कर सकते हैं हम और आप,
वेजिटेबल्स, मेडिसिन, मेडिसिन क्या है, कुछ मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो ये सब क्या हो गया, सारा एग्जांपल हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर, बढ़े आगे। बस यही पढ़ना ही है पूरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एक पूरी, मेरे पास तो है नहीं, हाँ है, एक पूरी बुक है जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। जब आएगा तब देखिएगा। एनीवेज, नेक्स्ट अगला है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का डेफिनेशन लिखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स, ब्रैकेट में लिखिएगा नॉन लिविंग थिंग्स, रॉक्स एंड मिनरल्स, ब्रैकेट में लिखिएगा नॉन लिविंग थिंग, प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। एग्जाम्पल के रूप में कुछ भी लिख सकते हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, हाँ लिख सकते हैं, बेकिंग सोडा, कोई भी एसिड, बेस, पर वो एसिड बेस जिसका सोर्स प्लांट और एनिमल नहीं है, जैसे साइट्रिक एसिड, जैसे चीटी में क्या पाया जाता है, टैटरिक एसिड, जैसे इमली में क्या पाया जाता है, खट्टा में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड, ये सब, जैसे संतरा में क्या पाया जाता है, आंवला में क्या पाया जाता है, तो ये सब क्या है, सब ये सब एसिड क्या हो गया, ये सब ऑर्गेनिक हो गया, पर वो जो एसिड जो HCl, H2SO4 जो हम लैब में मिलता है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, वो सब हम लोग यहां लिख सकते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक से कुछ भी बना हो तो वो क्या हो जाएगा, थर्मोकोल, लगभग सारे सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक सॉल्ट को छोड़ दीजिए, तो इनऑर्गेनिक जितने भी सॉल्ट है, सारे के सारे सॉल्ट, कौन पत्थर, जो रोड पे पत्थर मिलता है, हाँ तो कौन पत्थर, हाँ सब इनऑर्गेनिक, हाँ स्टोन है उसमें कभी लाइफ था, अरे एक ही डेफिनेशन है, उसमें लाइफ था कि नहीं था, सब जिसमें लाइफ जीवन में कभी नहीं था वो इनऑर्गेनिक, और जो कभी ना कभी जीवित था ऑर्गेनिक, सब इसमें लाइफ है, तो ये तो सॉल्यूशन में चला गया, कंपाउंड थोड़ी है, ये तो मिक्सचर कंपोनेंट में चला गया। नौ नंबर और क्या है, आप वुडन, ये आयरन चेयर, आयरन चेयर क्या होगा, आयरन मेटल भी वही जमीन के अंदर से मिलता है ना, जमीन के अंदर से मिलता है, कोई भी मेटल तो धरती के अंदर से ही मिलता है, आप उसको धरती के अंदर से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड सो ऑन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए। Then write characteristics of a compound. Heading डालिए characteristics of a compound. Characteristics of a compound. Characteristics of a compound. Characteristics of a compound. इसके कुछ characteristics हैं. Point number one. लिखिए. पॉइंट नंबर वन, अ प्योर कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ, अ प्योर कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अ प्योर कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट कंबाइंड इन द फिक्स्ड रेशियो बाई मास, कंबाइंड इन द फिक्स्ड रेशियो बाई मास टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल।
टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। जब ये दोनों सेम हैं तो क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। और जैसे ही ये दोनों अलग अलग हो गए यानी सी प्लस ओ टू, इसको एटम नहीं कंपाउंड हो गया, पर यहां पे एक से ज्यादा एलिमेंट है तो ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये भी है मॉलिक्यूल ऑफ CO2, पर ये प्योर कंपाउंड नहीं हुआ, ये इम्प्योर हो गया, बिकॉज यहां पे आपने क्या कर दिया, एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स को जोड़ दिया। जैसे N2 प्लस H2 अमोनिया, जैसे सल्फर प्लस O2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या हो गए, ये सब कंपाउंड्स हो गए जहां पर जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है, वो एक से ज्यादा है, पर हम लोग ये नहीं कह सकते कि मॉलिक्यूल नहीं है। इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बट इज ऑल्सो वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये मॉलिक्यूल भी है, पर मॉलिक्यूल प्योर नहीं है, कैसा है, इम्प्योर है। इम्प्योर मतलब नॉट इन सेंस ऑफ प्योरिटी, इन सेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है। पॉइंट नंबर टू, अ प्योर कंपाउंड इज होमोजेनियस इन नेचर, प्योर कंपाउंड इज होमोजीनियस इन नेचर। तो प्योर कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस इन नेचर होता है, होमोजीनियस इन नेचर। और होमोजीनियस होने की वजह से इवन आप इसको आंख से नहीं देख सकते, कांट बी सीन विद अ नेकेड आई, कांट बी सीन थ्रू आर नेकेड आई। मतलब ऐसा नहीं कि आप पानी नहीं देख सकते, पानी तो आप देख सकते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी नहीं देख सकते, पानी तो आप देखिएगा ही, पूरा झुंड में पानी रखा रहेगा तो आप पानी देखिएगा, पर एक मॉलिक्यूल को आप नहीं देख सकते। तो नहीं, क्यों नहीं, पावरफुल माइक्रोस्कोप से कहा नहीं देख सकते हैं, तो हाँ तो वी कैन नॉट सी, पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, कई बार उससे भी नहीं देख सकते पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी। पॉइंट नंबर फोर। नेक्स्ट, अ केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अ केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो केमिकल रिएक्शन से केमिकल कंपाउंड बनता है, केमिकल रिएक्शन से ही क्या बनता है, केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। जैसा मैंने दो तीन एग्जांपल पहले भी दिया था, मान लीजिए कार्बन है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो कार्बन जो कि एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन जो कि एक मॉलिक्यूल था, ये क्या था, ये एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन क्या है, ये मॉलिक्यूल है, और जब ये आपस में जुड़ा है तो ये क्या बनाया है, कंपाउंड बनाया है। तो कंपाउंड बोलिए या इसे मैं केमिकल कंपाउंड बोलूं, बात देखिए, तो केमिकल, ये केमिकल रिएक्शन से बनता है, ये किससे बनता है, केमिकल रिएक्शन से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर ऑल्टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड are altogether different from properties of compound are altogether different from the individual element or molecule, the individual एलिमेंट और मॉलिक्यूल बाय विच दे आर मेड या थ्रू विच दे आर मेड या कंबाइनिंग विच दे आर मेड, मॉलिक्यूल कंबाइनिंग विच दे आर मेड,
तो जिन चीजों से मिलकर वो बनता है, जैसे वापस एक उदाहरण देते हैं, सेम सपोज करिए कार्बन है, तो कार्बन हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन हम गैसियस फॉर्म में लेते हैं, और जो रिजल्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी हमारा गैसियस फॉर्म में आता है। तो इस कार्बन की प्रॉपर्टी से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी टोटली क्या होगी, डिफरेंट होगी। कार्बन इज सॉलिड इन नेचर, दिस इज अ नॉन मेटल, दिस इज एन एलिमेंट, वेयर एज दिस इज गैसियस इन नेचर, दिस इज, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं मेटल है कि नॉन मेटल है, तो ये कंपाउंड है। तो इनकी प्रॉपर्टी ऑल टुगेदर क्या है, अलग अलग है, प्योरली अलग अलग है। तो ये इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बढ़े आगे नेक्स्ट, अगली जो प्रॉपर्टी है दैट इज सिक्स्थ प्रॉपर्टी, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ केमिकल कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड मैकेनिकली, कंस्टिट्यूएंट ऑफ केमिकल कंपाउंड, कंस्टिट्यूएंट ऑफ केमिकल कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड मैकेनिकली। व्हाट डू मीन बाय मैकेनिकली, मैकेनिकली मतलब आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, जैसे मान लीजिए आपने एक बार कार्बन प्लस ऑक्सीजन करके इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, अब वंस यू हैव कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, मैं इसका अगर फिल्ट्रेशन कर दूं, क्या कर दूं, फिल्ट्रेशन कर दूं, तो क्या कार्बन एंड ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा, नहीं होगा, बिकॉज ये केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है। आप इसकी बॉइलिंग कर दो या आप इसकी फ्रीजिंग कर दो या आप इसका प्रेशर चेंज कर दो या आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ले जाओ, इन किसी भी मेथड से क्या मैं इनको अलग अलग कर सकता हूं, नहीं कर सकता, मैं इनको अलग अलग नहीं कर सकता, किसी भी मेथड से मैं इनको अलग नहीं कर सकता। केमिकली अगर इनको मुझे सेपरेट करना होगा तो मुझे कौन सा मेथड यूज करना होगा, केमिकल मेथड ही यूज करना होगा। आई कैन नॉट डू दिस बाय यूजिंग मैकेनिकल मेथड्स। आप मैकेनिकल मेथड से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर, नेक्स्ट सातवीं प्रॉपर्टी, सेवन, एस केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन इज डन केमिकली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है इसमें क्या है, इन्वॉल्व्ड। व्हाट डू मीन बाय एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जब कभी भी कोई रिएक्शन होती है, मान लीजिए सेम कार्बन वाला एग्जांपल ही लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, जैसे ही ये गैस फॉर्मेशन होके निकलेगा, ये एक तो आपको हीट देना होगा इस रिएक्शन को करने के लिए, क्योंकि जब आप हीट दीजिएगा तभी ये रिएक्शन होगा, क्योंकि इसको कंबशन रिएक्शन बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एनी हाइड्रोकार्बन व्हेन बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। पर चूंकि यहां पे सिर्फ कार्बन है तो हम लोग को क्या मिला है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, और यहां पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, या तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया, क्या बोला, या तो ये रिएक्शन क्या होगी,
एक्सोथर्मिक होगी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का मतलब बता रहा हूं, या तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक होगी, या ये रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी। व्हाट डू मीन बाय एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक? एक्सो मतलब हीट रिलीज हो रहा है, एक्सो मतलब हीट इज रिलीज्ड, और एंडो का मतलब होता है इनसाइड, यानी हीट इज एब्सॉर्ब, हीट इज एब्सॉर्ब, हीट इज एब्सॉर्ब, यानी ऐसा कोई रिएक्शन जो हीट रिलीज होकर रिएक्शन हो रहा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सो, एक्सो मतलब हीट इज रिलीज्ड, एंडो, एंडो मतलब अंदर, हीट इज टेकन, हीट इज एब्सॉर्ब, तो यहां पर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है और यहां पर हीट का रिलीज होता है। अगर हीट रिलीज होगा तो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, तो आपका आंसर आएगा सी प्लस सम एनर्जी, तो हीट रिलीज हुआ होगा। वेयर एज जब आप एंडोथर्मिक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस हीट विल गिव यू व्हाट, सी। एंडोथर्मिक में हीट देंगे तो रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक में ए प्लस बी रिएक्ट करेगा तो हीट रिलीज होगा। हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन? अरे तो हाइड्रोजन का क्या हाइड्रोजन, मतलब आप नहीं समझे, हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन एग्जांपल है, रिएक्शन हाइड्रोजन की करानी होगी ना किसी के साथ। नेक्स्ट, वाटर का फॉर्मेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वहां तक लिख लिए ना, ये नहीं लिखे, सपना देख रहे थे, लिखे आपने एक रिएक्शन देखा होगा खास करके एंडोथर्मिक का, वो क्लोरोफिल वाला, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड व्हाट, क्लोरोफिल CHLORO PHYLL क्लोरोफिल, ये क्या बनाता है, ये बनाता है ग्लूकोज प्लस क्या देता है, सम एनर्जी, प्लस देता है सम एनर्जी। तो आपने इस रिएक्शन में देखिए एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और आप बोलेंगे सर सनलाइट भी तो हीट दे रहा है, इसको इनिशिएटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सनलाइट जैसी चीजें जो इनिशिएट करती है रिएक्शन को, इसको इनिशिएटर बोलते हैं। पढ़ेंगे खैर ये सब के बारे में बहुत डिटेल में, इनिशिएटर क्या होता है एंड सो ऑन। बढ़े आगे, यहां पे जाके आपके प्रॉपर्टीज क्या हो गए, समाप्त हो गए। होमवर्क लिखिए, जो कि आप नहीं बनाना है, सिर्फ लिख लेना है कॉपी में, राइट 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू, राइट 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये दो होमवर्क आपको करका आना है, ठीक है, ये दो होमवर्क आपको करके आना है। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, हेडिंग डालिए इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। जैसा कि आपको ध्यान आ रहा है, एक बार मैं आपको रिवीजन करवाता हूं कि मैंने आपसे कहा था, देखिए मैटर है, मैटर दो पार्ट में क्लासिफाइड है, एक है प्योर सब्सटेंस, एक है इम्प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस था वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड था, एक था एलिमेंट, एक था कंपाउंड।
एलिमेंट फर्दर चार पार्ट में डिवाइड था, एक था मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इनर्ट गैस। जो कंपाउंड था वो दो पार्ट में डिवाइड था, एक था ऑर्गेनिक, एक था इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो कभी ना कभी अपने लाइफ स्पैन में जीवित था वो ऑर्गेनिक, जो कभी भी जीवित नहीं था वो इनऑर्गेनिक। जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिलता है वो ऑर्गेनिक, जो हमें रॉक्स एंड मिनरल से मिलता है, जो धरती के अंदर मिलता है वो इनऑर्गेनिक। ये समझने के बाद या ऑर्गेनिक है और नहीं तो एलिमेंट है, और या तो एलिमेंट है। उसके बाद सेकेंड आस्पेक्ट आता है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को ही प्यार से हम लोग क्या बुलाते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस को ही प्यार से हम लोग क्या बुलाते हैं, मिक्सचर बुलाते हैं। तो डेफिनेशन लिखा जाए, हाँ खाने वाला मिक्सचर, वो भी मिक्सचर ही है, इसलिए उसका नाम मिक्सचर है। खाने वाला ही मिक्सचर क्यों आया, एक मशीन होता है जो सीमेंट बालू गिट्टी को मिलाती है, उसको भी मिक्सचर मशीन बोलते हैं। एनीथिंग जहां पर आप एक से ज्यादा चीजों को मिला रहे हैं, और वो जो मिल रहा है वो दो तरीके से मिल सकता है, तो होमोजिनस तरीके से मिल सकता है या हाइड्रोजिनस तरीके से। होमोजिनस हर एक घूट में इंशाल्लाह बोलने का वो क्या बोले क्या बोलते बिस्मिल्लाह बोलने का मन करे। जैसे आपने पहला को खाया उसमें भी उतना ही टेस्ट आया, और आखिरी को और खाया उसमें भी उतना ही टेस्ट। पर जनरली ऐसा शरबत के साथ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बोला कि शरबत बना के लाओ, शरबत बनाने भेजा, शरबत बनाया, चीनी को मिलाया, बस डाला और दो बार घुमा के दे दिया, तो स्टार्टिंग वाला जो चीनी का जो शरबत का टेस्ट होगा फीका होगा, और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएगा वैसे उसका मीठापन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों? तो नीचे चीनी था तो चीनी वाला ज्यादा टेस्ट ऊपर वाला, तो ये यूनिफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर उस चीनी को पूरा खाट के पूरा आपने एकदम यूनिफॉर्मली मिला दिया, एक भी चीनी का मॉलिक्यूल अब बचा हुआ नहीं है, तो क्या होगा, पहले टेस्ट पहले घूट में जो टेस्ट आखिरी घूट में भी वही टेस्ट। तो वैसा अगर कोई यूनिफॉर्मेशन है यहां पर, जो पूरा का पूरा मिक्सचर है वो यूनिफॉर्मली घुला हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजिनस मिक्सचर। और दूसरी साइड पर यहां पर यूनिफॉर्मली नहीं घुला हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजिनस। जैसे मिक्सचर का एग्जांपल जो इन्होंने दिया, क्या हर कौर में मेरे मुंह में बादाम आ रहा है? मान लीजिए पहले कौर में दो आया, हो सकता है अगले कौर में एक भी नहीं आया, उसके अगले कौर में तीन आ जाए, तो क्या हर कौर में बादाम बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो वो होमोजिनस है हेट्रोजिनस है, हेट्रोजिनस है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने उसको यूनिफॉर्मली मिलाया है कि नहीं मिलाया है। लेकिन जब हम लोग बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो एक मिक्सचर मशीन मंगवाते हैं, वो दो चीजें हैं, एक तो मैनुअली भी मिलाया जा सकता है, देखा होगा सीमेंट बालू और वो मिलाते हैं मैनुअली, एक आता है मशीन से। मशीन से क्या है, यूनिफॉर्मली चीजें मिलती है, तो यूनिफॉर्मली मिलेगा तो आपका छत का जो ढलाई होगा वो बेटर होगा। मैनुअली मिलता है तो क्या है, चांसेस है कि कहीं ज्यादा मिल गया कहीं कम मिल गया, तो यूनिफॉर्मली नहीं मिलता है। पर अगर अच्छा ढलाई होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, हमारा जो मटेरियल बना है वो कैसा होना चाहिए, होमोजिनस होना चाहिए, ताकि हर जगह पर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मिले आपको। तो ये तरह से होमोजिनस और नॉन होमोजिनस समझ सकते हैं। लिखिए क्वेश्चन, डेफिनेशन लिखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अब ये जो टू और मोर सब्सटेंस है वो क्या क्या हो सकते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा, एलिमेंट और कंपाउंड। आप एलिमेंट्स को भी मिला सकते हैं या फिर कंपाउंड्स को भी मिला सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिखिएगा, एलिमेंट और कंपाउंड विच आर फिजिकली मिक्स्ड कैसा होना चाहिए, तो इसकी कॉम्बिनेशन कैसी होनी चाहिए, फिजिकली मिक्स्ड होना चाहिए, मिक्स्ड बट नॉट केमिकली कंबाइंड, बट नॉट केमिकली कंबाइंड। केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ कैसा होना चाहिए, फिजिकल मिक्सिंग होनी चाहिए, नॉट केमिकली कंबाइंड विथ ईच अदर। एंड तीसरी एंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मे बी मिक्स्ड इन एनी प्रपोर्शन। जैसे हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में बोला था कि ये किस प्रपोर्शन में होना चाहिए, फिक्स्ड प्रपोर्शन बाई मास होना चाहिए, इसका ऐसा कुछ नहीं, मे बी मिक्स्ड इन एनी प्रपोर्शन। अब अगर उसमें प्रपोर्शन सेम है तो फिर वो क्या हो जाएगा, होमोजीनस, और अगर प्रपोर्शन अलग है तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस। इसलिए बोला मे बी मिक्स्ड इन एनी प्रपोर्शन, दैट कैन बी सेम, दैट कैन नॉट बी सेम। इफ इट इज सेम देन इट इज होमोजीनस, इफ इट इज नॉट सेम देन इट इज हेट्रोजीनस। तो इस बिल्कुल कर सकते हैं,
मिक्सचर का काम ही वो केमिकल कंबाइन नहीं कर रहा, तो फिजिकली अगर मिलाए हैं तो फिजिकली सेपरेट भी करेंगे। आप चीनी और पानी लिए हैं, उसको आप हीट करिए, पानी उड़ जाएगा तो जो बच जाएगा वो चीनी है, तो आप उसको वापस से ले भी सकते हैं, मैंने वापस से अगेन भी कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल में लिख लीजिए, मिक्सचर का एग्जाम्पल कुछ भी लिखिए। क्या अलग हो जाएगा? शुगर का पानी, शुगर तो सॉलिड ही हुआ बचेगा। हाँ तो हीट करके क्या, इतना हीट करेंगे जितना में सेपरेट होगी, इतना हीट करेंगे कि वो भी भाप होके उड़ जाए। चाशनी क्यों बनेगा? एकदम सूखा व्हाइट कलर का पाउडर बच जाएगा। बिल्कुल करके देखिए, लैब में करवाते हैं, आपने नहीं किया होगा अलग बात है। वाटर प्लस शुगर, सेकेंड वाटर प्लस सॉल्ट, थर्ड वाटर प्लस एल्कोहल। जरूरी नहीं है, अगला एग्जांपल देता हूं, लेमन प्लस सोडा। वाटर होना जरूरी नहीं है। अगला सोडा प्लस एल्कोहल। किसी भी दो चीज को मिलाइए, पर जो आप मिला रहे हैं, पर जो आप मिला रहे हैं वो या तो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। मैंने ज्यादातर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल दिया है, एक मिनट, लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल दिया है। आप चाहेंगे तो सॉलिड लिक्विड गैस गैस किसी का भी दे सकते हैं। हाँ हाँ, वजह ना सर, कोल्ड ड्रिंक क्या है? कोल्ड ड्रिंक नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं। क्या है सॉफ्ट ड्रिंक? वाटर, वाटर, शुगर, CO2 गैस प्लस सम एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट जो कि एक अननोन फार्मूला है जो सिर्फ कंपनी वालों को पता है, पर है तो होमोजेनस, यूनिफॉर्मली मिक्स है। पहले घूट में जो टेस्ट, आखिरी घूट में भी वही टेस्ट। लेकिन मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स। अच्छा, प्योर गोल्ड, जो प्योर गोल्ड होगा वो क्या है? 24 कैरेट वो क्या है? 24 कैरेट मिक्सचर है, वो एलिमेंट है, 24 कैरेट एलिमेंट है। लेकिन 22 कैरेट लिखा है तो देन इट इज अ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड, देन इट इज अ मिक्सचर। 22 कैरेट मतलब आप 2 कैरेट कुछ और मिलाए होंगे। ज्यादातर लोग चांदी या कॉपर मिलाते हैं, तो अगर आपने चांदी मिलाया है तो 22 और 2 चांदी दोनों मेटल है, मिल गए तो यूनिफॉर्मली मिले तो होमोजेनस मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्मली मिले तो हेट्रोजेनस मिक्सचर। बट कंपाउंड नहीं होगा, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो रही ना, हम फिजिकली मिक्स कर रहे हैं। एलॉय बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नाम सुने हैं एलॉय का? ये एलॉय है, एलॉय, एलॉय इज ऑल्सो मिक्सचर, दैट कैन बी मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल प्लस मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है। डन, नेक्स्ट लिखिए, ये लिखिए सारा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। बस ये जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ, छुट्टी। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, इसके अंदर पहला है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजेनस। मिक्सचर लिखिए, होमोजेनस मिक्सचर, राइट। अ मिक्सचर इज सेट टू बी होमोजेनस, अ मिक्सचर इज सेट टू बी होमोजेनस इफ डिफरेंट कंस्टिट्यूट्स और सब्सटेंस, इफ डिफरेंट कंस्टिट्यूट्स और सब्सटेंस आर मिक्स्ड, इफ डिफरेंट कंस्टिट्यूट्स और मिक्सचर आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट्स और सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट आर यूनिफॉर्मली मिक्सड थ्रू आउट विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, यूनिफॉर्मली मिक्सड थ्रू आउट, यदि कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, एक ही बात है। कहां से? एक बार और, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट और सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट आर यूनिफॉर्मली मिक्सड थ्रू आउट विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन,
तो इसकी दो प्रॉपर्टी हो गई, एक कि एक तो इसको मिक्स करना है थ्रू आउट, और दूसरा कि इसका कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होना चाहिए। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या है? सेपरेट नहीं होना चाहिए, सेपरेट बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मान लीजिए दो तरह की हवा है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड है इधर सल्फर डाइऑक्साइड है, दोनों ऐसे आके मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पूरा आपस में मिल गया। ऐसा नहीं कि एक बीच में बाउंड्री बन गई, इस साइड कार्बन डाइऑक्साइड है इस साइड सल्फर डाइऑक्साइड है, ऐसा नहीं है। देखो सेपरेशन ऑफ बाउंड्री, सब चीज आपस में घुल मिल गया तो वो क्या हो गया? होमोजीनस हुआ। और घुलना मिलना कैसा? यूनिफॉर्मली, जिसका कॉम्पोजिशन क्या रहे? सेम थ्रू आउट। तो ये वर्ड याद रखिएगा, होमोजीनस मिक्सचर मतलब द कॉम्पोजिशन शुड रिमेन सेम थ्रू आउट। होमोजीनस मिक्सचर का एकमात्र मतलब होता है कि इसका कॉम्पोजिशन क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। इसका मतलब है, होमोजीनस मिक्सचर का मतलब है द कॉम्पोजिशन शुड रिमेन सेम थ्रू आउट, कॉम्पोजिशन शुड रिमेन सेम थ्रू आउट, कॉम्पोजिशन शुड रिमेन सेम थ्रू आउट। एंड देन कम्स नेक्स्ट हेट्रोजीनस मिक्सचर। व्हाट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर? डेफिनेशन लिखिए। राइट, अ मिक्सचर इज सेट टू बी हेट्रोजीनस इफ इट्स कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट, इफ इट्स कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम throughout, composition is not same throughout and has a visible boundary of separation between them, and has a visible boundary of separation between them, has visible boundary of separation between them, visible boundary of separation between them। जैसे अब आप मिक्सचर बना रहे हैं, जो आपने कहा मिक्सचर बना रहे हैं, तो इसमें आप चूड़ा और जो बादाम है उसके बीच का सेपरेशन कर सकते हैं ना, आप बादाम अलग कर सकते हैं चूड़ा अलग कर सकते हैं, तो ऐसा कोई जिसमें आप अलग अलग कर सकते हैं और फिक्स बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? नॉन होमोजीनस मिक्सचर या हेट्रोजीनस मिक्सचर, एक ही बात है। नहीं, क्वेश्चन लिखिए, घर काम। राइट, सिक्स पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, कंपाउंड एंड मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। हाँ तो लिख के आना है ना इसको घर से। राइट, फाइव पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये सब आपका क्या है? घर काम है। ये सब आपको क्या करना है? घर से करके आना है। इसके बाद दो छोटा छोटा टॉपिक रह गया है, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन और सस्पेंशन करके अगले क्लास में ये चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे। क्या क्या पढ़ा दिए? हाँ सर, हाँ हुकुम मालिक, हुकुम। ठीक है, तो ये आपको करके आना है आज की क्लास में। जो भी पढ़े मेरे ख्याल से होप कि क्लियर है। अगली क्लास में सॉल्यूशन जो कि एक होमोजीनस मिक्सचर है, सस्पेंशन जो कि कह सकते हैं टाइप ऑफ होमोजीनस ही है, जैसे होमोजीनस
सस्पेंशन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मिल्क. मिल्क इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन. वो एक होमोजीनस मिक्सचर है बट इज एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन. वेर एज सोल्यूशन का एग्जाम्पल है सॉल्ट प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर. पढ़ाएंगे ना, तो है ना टॉपिक में, क्यों परेशान है. अगली क्लास में हम इसको पढ़ते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए.